हम लोग से भी पूछ रहे थे कि आप लोग आएंगे कि नहीं। नहीं, हाल में जो कुछ घटनाक्रम सब हुआ है उसके बाद क्या आप जाएंगे, और क्या वहाँ पर सचिन भाई आ रहे हैं, और अगर सचिन भाई वहाँ पर आएंगे और मनीषा जी वो लोग आएंगे तो क्या आप लोग वहाँ पर जाएंगे? मॉर्निंग आप सभी को। अभी सुबह के बज रहे हैं 9। आज संडे है तो हम लोगों की मॉर्निंग अभी भी है, मतलब अभी नहीं 8 बजे के करीब हो गई थी, और सुबह से बस इधर से उधर हो रहा है। और अभी मेरा बेटा क्या किया है ना, सारा कपड़ा जो एक जगह पे मैंने रखा हुआ था ना कि सबको फोल्ड करके रखना है, सबको पूरे रूम में फैला दिया है और चला गया है नीचे। तो अभी चलती हूँ मैं कॉफी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा। कल भी कॉफी नहीं पिया था हम लोगों ने, परसों भी नहीं, तो 2 दिन से कॉफी नहीं बन रहा है। पतिदेव अभी बोले कि जाओ कॉफी बना दो, चलते हैं कॉफी बनाने के लिए। और उसके बाद जो है ना, मैं रूम को आज ठीक करूंगी, क्योंकि जो है ना रूम तो ठीक ही है, बस कपड़ा क्रियान इधर से उधर फैला देता है और गिरा देता है उस साइड जो भी कपड़े रखे हुए रहते हैं। तो वो चलती हूँ किचन, देख सकते हैं क्रियांश का कपड़ा और कुछ नीचे गिरा के गया हुआ है, और इधर है क्रियांश के पापा। हे क्रियांश के पापा, इस ड्रेस में ना मैं मोटी लगती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं मोटी लगती हूँ। ये देखिए, आप में से बहुत लोग कमेंट करते हैं कि कब मोटी होगी। पता नहीं मैं कब मोटी होगी, लेकिन इस ड्रेस में तो मैं मोटी लग रही हूँ, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। मेरा तो यहाँ कॉफी पीना खत्म हो गया जी, और जिया का भी देख सकते हैं पूरा बाकी है कप अभी। जब जिया कॉफी पीने बैठती है तो ये काम कर दो, वो काम कर दो। और नहीं, अपना जिया जो है बहुत स्लो कॉफी भी पीती है भाई, ये भी बात सही है। जब कोई 2 कप 3 कप पी लेगा तो जिया का आधा कप रहेगा उस समय, तो ऐसा कुछ हाल भी रहता है। नहीं, आप काम तो जब तक कॉफी जिया का बिल्कुल भी ठंडा न हो जाए उसको पेमेंट कर दो, इसको पेमेंट कर दो। हाँ बिल्कुल, तो कैशियर तुम ही है तो और किसको बोलेंगे, अकाउंटेंट। शाम में हम लोग सो के उठे, 3 बजे के करीब क्रियांश सो गया था, तो मैं भी इसके साथ थोड़ा सा सो गई थी कि आज बहुत ठंड था बहुत, तो माँ ने मना कर दिया नहाने को। क्रियांशी पापा का चश्मा टूटी, बेटा टूटी। ये क्या करता है ना, पापा का चश्मा खोल के मुझे पहनाता है, अब मेरी बिंदी निकाल के ना पापा को लगाता है। ये देखो गुंडी लड़की को देखो। हाय गाइस, क्रियांश शी, हाय गाइस, मैं बहुत नटखट हूँ। Hi guys. The next day. तो आज है जी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आज मौसम भी जो है जी बड़ा बेहतरीन है, एकदम बहुत मजा आ रहा है, ठंड है जी हाँ, ठंड जो है बहुत ही मजेदार मुझको मौसम लगता है। ऐसे मौसम में जो है ना कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, लेकिन काम करना है, अपना काम धंधा सब है तो वह तो लोग करेंगे ही। ऐसा कोई काम धंधा हो जो कंबल में रहते हुए हो जाए, कितना मस्त रहेगा जी, है ना। तो फिलहाल जो है क्रियांश अपना नहा चुका है, पापा भी नहा करके तैयार हो गए हैं, तो वो गए हैं पूजा करने के लिए, तो चलते हैं। और ये देखिए क्रियांश सा रहा है प्रसाद, क्रियांश केला देख के खा रहा है हमको। अच्छा क्या किया, क्या कर दिया मैंने, जय चलाने दियो, जय। A few moments later. क्रियांश क्या रो रहा था तुम? बहुत रो रहा है, प्रसाद के लिए। प्रसाद चाहिए तुमको? डैडी इधर से प्रसाद चला रहे थे, पीछे से गया, हम समझ गए कि केला लेने जा रहा है, तो हम बोले डैडी को केला लेने जा रहा है, डैडी देखे सही में वो केला से उठा के भाग रहा है। क्रियांश केला ले रहा था तुम? एक बार प्रसाद चढ़ने, तो प्रसाद चढ़ जाएगा फिर तो खाना ही है। एक्टिंग देखो, ये देखो एक्टिंग करो क्रियांश, इसको लेके नीचे चले जाओ समझे, या तो ऊपर रहेगा कहेगा हमको चाहिए वो। और आज आग जलाते भी है उसमें, तीन डालते। ठीक है करते हैं। 20 minutes later. तो डैडी का पूजा भी हो चुका है जी, अब चलते हैं, चल करके तिल और चावल लेते हैं। सबसे पहले क्रियांश नहा के तैयार हुआ है, आ गए हैं, देखो पापा प्रसादी ले रहे हैं। तिल का महत्व है जो माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना है, इसलिए खिलाया जाता है ताकि इसका ऋण हो जाता है बेकार बहू का। हम तो नहाएंगे तब लेंगे, अभी नहीं लेंगे, बिना नहाए नहीं लेंगे। ले लो क्रियांश, पछाड़ लो प्रसाद, खाएगा दोनों क्रियांश प्रसाद, पहले पैर छुएगा, जय जय कर लो ना प्रसाद, जय जय, हाथ पहले पछाड़, जय 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 जय। काला देख लिया, काला देख के नहीं लेगा, काला देख के भाग रहा। केला खाएगा, केला खाएगा, केला खाएगा, जबरदस्त खाना तो पड़ेगा भैया।
जय। अब अच्छा लगा, अब खाएगा। दिया जाता है। अच्छा पुतोहू को लेकिन दिया जाता है, दिया जाता है पुतोहू इस घर की सदस्य। हाँ बेटी को नहीं देता, हमेशा सास ससुर को ध्यान रखेगा, पराया धन है। हाँ वो दूसरे घर की जाएगी, ख्याल रखेगी। हाँ होना चाहिए बेटी का, तो वो भी वहाँ वैसे ही करे जैसे हम अपेक्षा रखते हैं। हाँ हाँ सही बात, हम लेंगे नहा के। One hour later. तो उधर जल रहा है आग और क्रियांश वहाँ से भाग रहा है आग से, इसको लग रहा है डर। पहली बार देखा है आग, क्रियांश भाग रहा है, लेकिन गांव में जो घोड़ा सब जलता था देखते ही रहता। अरे बैठो ना, नहीं रहेगा यहाँ पे। भाग रहा है जैसे अपना देखता है टोपी लगा हुआ है, तुरंत खोल के फेंक देता है। हर 5 मिनट में क्रियांश को एक बार टोपी पहनाया जाता है। और हमारे इधर 3-4 दिन से धूप ही नहीं निकल रहा है, मस्त मौसम है, कपड़ा एक भी नहीं धुला है, पता है आपको? मुझे बात नहीं, धुल जाएगा आपको क्या? धुल जाएगा या 5 दिन बाद धुल जाएगा या 50 दिन बाद धुल जाएगा? पहनने के लिए कपड़ा रहे या ना रहे कोई बात नहीं, पहन लेंगे भाई। मैंने ये क्रियांश से क्या पहनेंगे, क्रियांश से ये भी पहनेगी अपना, तो एक दिन जो कपड़ा पहनता है दूसरे दिन पहनने लायक नहीं रहता। The next day. अभी अभी जी हमारा काम हुआ है खत्म और काम से हो गए फ्री। अभी जो ठंड है जी पूछिए मत, इतनी ज्यादा ठंड है, मुझे लग रहा है यह वाला जो हमारा हुड है यह काम नहीं कर रहा है और मुझे जो है मोटा वाला जैकेट जो है चढ़ाना पड़ेगा। बाकी जी हम देख रहे हैं कुछ कमेंट आ रहे हैं, कुछ हमारे दोस्तों के भी कॉल आए। जी हाँ, हमारे जो एक फेलो यूट्यूबर है उनके बेटे का है जन्मदिन, शिवांश का जन्मदिन है, तो शिवांश को जो है एडवांस में जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, हमारा बेटा मस्त रहे, स्वस्थ रहे और जबरदस्त रहे। बाकी सवाल कुछ उसी से रिलेटेड आ रहे हैं जन्मदिन से लेकर के, हमारे जो कुछ यूट्यूबर दोस्त हैं उन सबसे भी हम लोगों ने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि वो लोग जो है जन्मदिन में आ रहे हैं और हम लोग से भी पूछ रहे थे कि आप लोग आएंगे कि नहीं, और आप में से बहुत लोगों का मैं कमेंट भी देख रहा था, वह भी पूछ रहे थे कि आप लोग जो है वहां पर जाएंगे कि नहीं, हाल में जो कुछ घटनाक्रम सब हुआ है उसके बाद क्या आप जाएंगे और क्या वहां पर सचिन भाई आ रहे हैं, और अगर सचिन भाई वहां पर आएंगे और मनीषा जी वो लोग आएंगे तो क्या आप लोग वहां पर जाएंगे, ऐसा कुछ लेकर के चल रहे हैं। तो मालूम चला कि हां वो सब भी आने वाले हैं। हम लोगों को लेकर जी बात रही तो हमारे रिश्ते काफी अच्छे थे रुद्र भाई सबसे और पूजा जी से, और मुझे लगता है कि पूजा सबसे अच्छी दोस्त अगर कहेंगे इस कम्युनिटी में तो जिया की थी, है ना? अभी भी है। बाकी रही जी हाल के दिनों में जो कुछ भी हुआ उस चीजों में जो सही बात कहे किसी की भी कोई गलती नहीं थी और हम लोग जो है जाएंगे बिल्कुल जी। उन्होंने फोन करके स्पेशली 2-3 बार रिमाइंड कराया है कि आप लोगों को आना है, बिल्कुल आना है, हमारे हर एक फंक्शन में वो लोग आए, बिल्कुल हर एक फंक्शन में आए हुए हैं। अभी तक हमने जितना फंक्शन किया है, चाहे हमारे देवर का शादी था उसमें, हमारे बेटे की का जन्मदिन हो, तो छोटा से बड़ा फंक्शन जो भी हमने किया सभी में आए, तो वो लोग जो है सभी में इन्वॉल्व हुए हैं और उनका ये फर्स्ट फंक्शन है, तो हम लोग कैसे नहीं जाएंगे। बिल्कुल जी, तो हम लोग जाएंगे और हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बस ठंड जी बहुत ज्यादा है। पहले तो सोचे थे की हम लोग जाएंगे ट्रेन से, लेकिन ट्रेन से लग रहा है की यहाँ से स्टेशन तक जो जाएंगे ऑटो से, फिर स्टेशन से जो घर तक जाएंगे वहाँ पर ऑटो से, तो क्रियांश को ठंड ना लग जाए तो सोचा की अपनी गाड़ी लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा ड्राइव भी हो जाएगा। थोड़ा सा डर रहती वही कुहासा को लेकर के, कि कुहासा लग रहा था कि कुहासा के कारण कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे, ट्रेन से सब कोई बोल रहे थे जाओ, बट ये है लेकिन जो इतना ठंड देखे ना, तो इतना ठंड देख करके फिर सोच रहे की गाड़ी से ही जाए, तो उसकी तबीयत ना खराब हो जाए, आराम आराम से चलेंगे, रुक रुक के चलेंगे और कुहासा खत्म होने के बाद जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, सुबह सुबह नहीं निकलेंगे, जैसे हम लोग निकल जाते हैं 4-3 बजे कभी कभी वैसे नहीं निकलेंगे, निकलेंगे आराम से जाएंगे, हमें लगता है पूरा एंजॉय करने वाले हैं बिल्कुल जो, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी मजा आएगा। बहुत सारे यूट्यूबर आने वाले हैं, सारे दोस्त जितने भी अपने हैं सभी से बात हो गए, सभी से हमारी बात हुई है और सभी लोग कह रहे हैं कि आ रहे हैं और वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं हमारा, हम लोग भी उनका इंतजार कर रहे हैं। तो मिलते हैं जी आप लोगों से सीधे उनके यहाँ, और फिलहाल अभी के लिए ब्लॉग को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आप, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।